हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। अपन यहाँ पर उसमें आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले अपन ने जो अपन बात करें कि यहाँ अपन ने जो मैग्नेट से रिलेटेड अपन बात कहें कि इसका जो बिहेवियर था और उसके टाइप, उसके अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए, अब अपन जो बात करने वाले हैं वो है कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक तो ये, दूसरा बात करें कि आप पदार्थ ले रहे हो उसके द्वारा भी क्या है, कोई ना कोई क्षेत्र क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो इन दोनों के जो मध्य का मान होगा जनरली, उसी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में जनरली क्या बताया गया है कि जब अभी तो क्या है, अभी अपन जो डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं ये जनरली अपन जो आपका क्वांटम मैकेनिज्म है, क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें इसका जनरल इंट्रोडक्शन है या इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो की जाती हैं। लेकिन क्या बताया गया है कि जब आपकी क्वांटम की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले आपका जो पदार्थ है उसके अंदर किस तरह से आपका मैग्नेटिज्म उपस्थित है उसके बारे में पहले से क्या था, आपके इसके या कह देंगे इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। यानी पहले से लोगों को पता था कि चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से उसमें टाइप्स है वो देखने को मिलते हैं, उसके बारे में पहले से ज्ञात था। अब उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आए, क्वांटम यांत्रिकी। तो यहाँ पर देखिए, इससे अपने को क्या समझना है कि जनरली क्या बताया गया है कि जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसके बारे में क्या बताया गया कि मान लो कोई पदार्थ है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें अपन ने कोई पदार्थ रखा है, तो क्या बताया गया है कि आपका जो पदार्थ है उसके अंदर भी आपकी कोई ना कोई क्षेत्र है उत्पन्न किया जाता है, या कह दें उसके द्वारा भी कोई ना कोई आपका चुंबकीय गुण कह दें, या इसके द्वारा कोई ना कोई आकर्षण बल है वो आपके उत्पन्न होगा। अगर इस तरह से अगर ये चीज़ होती है कि आपका पदार्थ भी अपना कोई क्षेत्र बनाता है, तो क्या बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न अवस्था के अंदर आपको पदार्थ द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति है इसके नाम से जाना जाता है। जिसको सामान्यतः अपन कहें कि भाई ये इससे भिन्न है, तो क्या किया जाता है, इसको एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अपन जो आपके समीकरण अभी जो अपन लिखेंगे, जनरली ये आपके क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर ही इसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपका कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का क्या देखने को मिल रहा है कि इसके द्वारा कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, तो अपन ने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया था जिसको अपन ने क्या कहा था, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको क्या किया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को H के रूप में लिखा जाता है, प्लस इसको 4πI के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर एक। सबसे पहले यहाँ पर अपन समझे तो आपका ये मान इसके बारे में, क्योंकि ये आपसे अलग से मेंशन किया गया, ये आपका जो आपने नमूना लिया है उसके द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है आपका,
प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, या अपन यूँ कहते हैं कि आपके नमूने का, यानी जो अपने सैंपल के लिए लिया है, जो पदार्थ काम में लिया है, उसके द्वारा क्या गया है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर करें कि यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, 4π कारक लिया है। ये क्या है, ये इकाई ध्रुव के द्वारा जो परिणामी मान प्राप्त होता है, ये 4π उसके लिए होता है। कि जनरली अपने क्या देखते हैं कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी एक विशेष दिशा की ओर या विशेष ध्रुव की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि जो धरती है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है या जो चुंबकीय ध्रुव है, जनरली वो क्या बता रहे हैं कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर आपके क्या हो रही हैं, बढ़ रहे हैं। तो अपन इसको इस तरह से भी तो ले सकते हैं कि किसी इकाई ध्रुव की ओर व्यवस्थित हो जाने का मान है वो क्या कहलाता है आपके, इसमें 4π के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर किसी एक चुंबकीय पदार्थ को लेता हूँ, तो इसमें ये इस तरह की जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके द्वारा क्या की जाती है, पदार्थ द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जनरली क्या है, आपके किसी विशेष पोल की ओर क्या होंगे, यदि व्यवस्थित होंगे, जनरली आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है उसकी अगर और क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि आपका जो आई है ये, तो ये आपके कहलाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। ये क्या है आपके, किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और क्या बताया गया है, ये प्रति एकांक क्षेत्र में कह दें या फिर किसी आपके आयतन के लिए कह दें, क्या बताया गया है कि ये प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या है कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है वो किसके होगा, प्रेरित चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसके बराबर होगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि अब क्या करें कि अपन इसमें समीकरण एक के अंदर क्या करें कि आपके H का भाग दे दें। मतलब यहाँ पर अपन ने अभी इसको क्या लिया था, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आपका समीकरण एक के अंदर अपन क्या करेंगे, H का भाग देने पर या H से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर आपका जो मान है V/H 1+, अब देखिए यहाँ पर अपन जो मान पुटअप करने वाले 4πI/H आ जाता है, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन को अलग अलग वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। अब इस वैल्यू को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि V/H किसके हैं, समानुपाती I के, तो अपन इस मान को इस तरह से तो भी लिख सकते हैं कि I=1+4π। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मान है उसको अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट मान मान लिया, तो इसको अपन इसके द्वारा इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि I/H है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। सबसे पहले ये कि भाई ये मान आता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो लगाया गया है, ये आपका पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र कह दें या कोई क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, और जनरली इसके बारे में कहा था कि भाई ये इकाई ध्रुव के लिए मान है जिसमें अपन बात कर रहे थे, और ये वाली आपके
जो चुंबक के क्षेत्र की इंटेंसिटी है उसको एक्सप्लेन करें। तो अपन बात करें कि इस तरह से आपका जो मान है या जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो के है वो क्या है, आयतन चुंबक की प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर आपकी जो के है वो क्या है, वॉल्यूम मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये चुंबकीय आवृत्ति है जो क्या है, इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण और आपका जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, के अपॉन पी के द्वारा इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या कहा कि आपकी जो के है वो क्या है, आपके वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो आयतनी चुंबक की प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। अब ये जो आयतन सस्टेबिलिटी होती है जनरली ये क्या है, जो प्रति इकाई आयतन है उसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण और उसमें प्रयुक्त जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर ये किसके लिए बात कर रहा है, H के लिए, और साथ में किसके लिए बात कर रहा है कि यहाँ पर अपने द्वारा इंड्यूस यानी जो अपन ने प्रेरित किया है, और प्रेरित वाले के लिए अपन ने क्या कहा था कि जनरली ये मान है उसको रिप्रेजेंट, यानी प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र ये वाला और प्रेरित चुंबक या आघूर्ण जो अपन ने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए क्या होता है, ये एक्सप्लेन का मान होता। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसके साथ अपन बात करें, एक इम्पोर्टेंट टर्म और आती है जिसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी चुंब की प्रवृत्ति है उसको अपन एक दूसरे मान के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको काई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जनरली इसका मान के अपॉन पी के इक्वल। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है वो किसी पदार्थ के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से लगाया गया है, साथ में आपका इसमें पदार्थ द्वारा किस तरह से जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उत्पन्न किया जा रहा है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर इसकी तीव्रता किस तरह से होती है, और तीव्रता के आधार पर अपन इस वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अपन यहाँ पर इस वैल्यू को इस तरफ लाकर भी क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग के की वैल्यू भी इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या बताया गया है, अपने किसी भी पदार्थ के लिए जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं अपन करने वाले हैं। तो टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।